आपको नजर आ रही है हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, आप देख रहे हैं छोटी और मोटी टूटी फूटी आवाज में। ये सड़क है, हाईवे रोड है और सीतापुर और बहराइच संपर्क मार्ग है जो आप देख रहे हैं। और कुछ ही दूरी पर आपको नजर आ रही है वो थान गांव की गौलोक चौकी के बोर्ड, जो आपको हम जूम करके दिखाते हैं, चमक के नजर आ रहे हैं। और ये हाईवे रोड है जहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरीके से बरसात अभी दो हफ्ते के पहले ये कट चुका है और अरबों खरबों से की लागत से तैयार ये रोड का अस्तित्व खतरे में है। और यहाँ से फिर हम दिखाते हैं आपको पूरी ये रोड जो गोंडा और बहराइच और काफ़ी दूर दूर तक भारी वाहन पास होते हैं इस रोड से, जहाँ पर इस सड़क की दुर्दशा है। और ये बंधा तिराहा है, ये रोड पूरी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वाहन फराटे मारते भरते जा रहे हैं। और ये गड्ढा बंधा चौराहा के और गौलोक चौकी के मध्य पड़ता है। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं क्योंकि ये लोग चोटिल भी हो चुके हैं, अभी लोग काफ़ी चोटिल भी हो चुके हैं और खतरा मंडरा सकता है काफ़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आप ये रोड का अस्तित्व पूरी तरीके से खतरे में है। रात और दिन में कब कितने खंड बड़ा हादसा हो जाए कुछ पता नहीं। लोगों से मैं बात करता हूँ और इशारे से बता भी रहे हैं थोड़ा, और देखते हैं कि पूरी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो यहाँ पूरी तस्वीर दिखाते हैं ये सड़क की, जहाँ पर पूरा बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और एक खतरा मंडरा सकता है, वाहन निकलते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ पर गड्ढा है, ये कहाँ पे सड़क कटी है, बंधा तिराहा जो है, बंधा तिराहा ये किस स्थल पे पड़ता है, ये सड़क किस स्थल पे? पूरी चौकी के बंधा तिराहा के बीच में है, बीच में है। हाँ। ये कब कटा था? इसको कटे तो इसको सर जो है अरे करीब मान चलिए 6 महीने हो गए, लेकिन कटा ये 2-3 दिन में ज्यादा कट गया, यहाँ से कटा ये बरसात में कटा है। हाँ, यहाँ से कटा यहाँ। अच्छा, ये पहले से गड्ढा था लेकिन यहाँ से मतलब जो है 2-3 दिन में कटा, ये बरसात हुई है कल परसों में। तो इस अच्छा तो इसके लिए इसमें कोई खतरा तो नहीं है? खतरा हुआ रात में, 2 बजे रात में कल एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक इधर से मतलब इधर से एक ट्रक आ रहा था डंपर, तो इधर से मोटरसाइकिल 3 लोग बैठे थे और यहाँ मतलब ये समझिए कि इसमें गिरे नहीं आकर के वहाँ होटल के बाद गिरे हैं, घर से बहुत दूर चले गए हैं रात में। तो इसके लिए मतलब प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत का आग्रह साहब बराबर है, लेकिन क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका पहलाद, आपका आपका संदीप। आप इन लोगों का कहना है कि इस पे भारी वाहन, ये रोड कहाँ कहाँ जाती है, वाहन कहाँ कहाँ गुजरते हैं? कई जगहों को ये सड़क जोड़ती है, आप देख रहे हैं भारी वाहन गुजरते हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे तहसीलदार और सरकारी अमला और जिम्मेदार भी सुबह से शाम तक बाढ़ प्रभावित इलाका है जो कि निकलते हैं, लेकिन इधर नजरें इनायत नहीं हुई और काफी एक बड़ा अनहोनी होने का एक खतरा मंडरा सकता है। डेली यहाँ पे लोग अपनी मदद से पत्थर रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सड़क पूरी तरीके से धस गई है और अस्तित्व खतरे में है, एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये सड़क जहाँ पे कटी है वो स्थल बता दें, गौलोक चौकी और बंधा तिराहे के मध्य की बात है। और इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोगों का कहना है जो तस्वीरें खड़ी हैं, अगर समय से इसकी भरपाई नहीं की गई तो वो हादसा जो कभी लोग सपने में नहीं सोचा होगा, इतना बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा सकता है। और अरबों खरबों की लागत से ये सड़क का अस्तित्व पूरी तरीके से मिटने की कगार पर है, और अगर ये सड़क मिट जाती है, कट जाती है बाढ़ में, तो समझ लीजिए कई जिलों का आवागमन ठप हो जाएगा और लोगों का संपर्क सूत्र टूट जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ रेउसा सीतापुर प्रेम बाटे। आपको बता दें कि इस वक्त जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घाघरा और शारदा नदियों की ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई पड़ रही हैं और कलकल की आवाज़ें जो निकल रही हैं, ये आप देख रहे हैं कि विकराल रूप अपना रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। और ये तस्वीरें चौकी पुरवा और दर्जन रेती की हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची भयानक भयावह लहरें लोगों को डरा रही हैं। महज ये घरों की दूरी और नदी की दूरी आप देख सकते हैं,
कितनी होगी और कब कितने खान इन घरों पे तलवार लटकी हुई है, कब कितने खान समा जाए परिवार घर पर काटता हुआ दे रहा है। हम थोड़ा यहाँ पे ग्रामीण है कुछ बात करेंगे। हालांकि जल स्तर नदी का घटा हुआ है, काफी हद तक अपने दायरे में बह रही है जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है। वहीं पर कटान भी थम गया है, लेकिन जो हवा के साथ तेज हवाओं के झोंकों के साथ जो लहरें उठ रही हैं वो कहीं कहीं पर यहाँ पर कटान हो रहा। बात करते हैं यहाँ पर ये कौन सा गाँव है, ये चौकीपुरवा है। ये जो घर किनारे दिखाई दे रहे हैं किसके हैं? अच्छा, इधर कैलाश की है ये। अच्छा, ये महज कितनी दूरी होगी नदी की इससे? पांच मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है इन घरों की दूरी नदी पर है, जहां पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और कौन से करीब गांव हैं नदी किनारे? है परमेश्वर पुरवा, लेकिन अलग था। अच्छा, मतलब अच्छा, और इधर कौन पुरवा है? अच्छा, ये सब गांव करीब में है, इनसे कितनी दूरी पर है जो गांव बताए? परमेश्वर पुरवा, पासिन पुरवा, चौकी पुरवा, दर्जी रहती। इस समय कटान तो हो नहीं रहा है। अच्छा, जल स्तर घटा है, जल स्तर घटा है। अच्छा, अभी कोई खतरा तो है नहीं, तो आप लोग हटा क्यों नहीं लेते हैं कर करीब में? क्यों आप इसके उच्च ऊंचे की ओर वह तब तक ये जो काफ़ी लहरें उठ रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस कदर से महज कितने गांव की दूरी लोगों से बातचीत की, और यहां पर काफ़ी जल स्तर तो घटा है लेकिन कटान में तेजी बताई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पर तेज है और कहीं कहीं बीच बीच में छोड़ उसके बाद कटान यह नदी काफी कई गांव किनारे पर हैं। और आप देख सकते हैं कि किस कदर से ऊंची ऊंची लहरें हैं जो दिखाई दे रही हैं, ये घाघरा और सरयू नदी की हैं और जनपद सीतापुर के तहसील बिछुआ के अंतर्गत की तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे पूरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कितनी दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर नदी बह रही है और कब कितने खंड लोगों के घरों पर तलवार लटक रही है समा जाए पता नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये दर्जी रहती पास की तस्वीरें हैं, वहीं पर प्रशासन बराबर नज़र गड़ाए हुए है। तहसीलदार अक्षर प्रताप सिंह ने बताया कि नदी का जलस्तर काफ़ी घटा है, कटान में हल्का सा तेजी आई है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है और बाढ़ जैसे हालात नहीं है। हालांकि यहाँ स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ जैसे हालात अभी नहीं है, लेकिन ये जो गांव आपको बताए जा रहे हैं दुर्गापुरवा, चटपुरवा और पासिनपुरवा, परमेश्वरपुरवा, चौकीपुरवा और शेखोपुर, इन गांवों के पास नदी काफ़ी अपना रौद्र रूप दिखाई दे रहा है और देखने को मिल रहा है पानी का, जो आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे काफ़ी हद तक, और कटान में कमी, लेकिन कहीं कहीं पर कटान अधिक तो कहीं पर बिल्कुल नहीं, लेकिन जल स्तर काफ़ी हद तक घटा है। लेकिन जो ऊंची ऊंची लहरें हवाओं के साथ उड़ रही हैं वो वास्तव में लोगों को डरा रही हैं, काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। आप देखते हैं वहीं पर घड़ियाल भी अपनी उपस्थिति आए दिन यहां पर दर्ज करा रहा है, जो लोगों की जुबानी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी कभी धूप के लिए उच्च स्थान पर लोगों को दिखाई भी देता है, पासिनपुरवा के पास और लदुआपुरवा के पास ये दस्तक दे रहा है। खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्र भी देख सकें। मात्र अंदाज़ा लगा सकते हैं दूरी नदी और घाघरा की लहरों की घरों के बीच की दूरी किस कदर से, कब कितने खन समा जाएं कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे और ये अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। कटान भी हो रहा है, जल स्तर काफ़ी हद तक घटा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। परमेश्वरपुरवा में, चौकीपुरवा में कैलाश दूबर और राजू पुति सेठ आदि करीब 10 घरों पर तलवार लटक रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं ये दर्जन रहती यहाँ पर, जिनके घरों की दूरी आप देख सकते हैं, ये नदी है और ये घर बने हुए हैं। कब कहाँ कितने खन इन
के ऊपर करवा लटक रही है, कब समाज आए कुछ पता नहीं। थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पर एक महिला, इसके पहले आपने देखा चौकीपुरवा और परमेश्वरपुरवा के पास लोगों से बातचीत की, जहाँ पर कैलाश और दुबर और पति शेख के घरों पर तलवार लटक रही है घाघरा की मात्र 20 मीटर की दूरी पर। अब ये महिला की जो तस्वीर दिख रही है ये दर्जी रहती की है और सामने से उसका घर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं किन किन घरों पर ये तलवार लटक रही, किन के घर करीब में है बताइए, ये कौन सा गांव है, दर्जी रहती है, यहाँ पे कई कितने घर हैं, लगभग 10 घर हैं, उन मालिकों के नाम बताइए। रियासत अली और हसीम जिगर सलामुद्दीन और सलीम दुबर हैं उमर, इन लोगों के घरों से कितनी दूरी पर नदी है, ये लगभग कितनी दूरी होगी, 10-20 मीटर की दूरी बता रही हैं। और तो आप लोग कैसे काटते हैं, कटान तो नहीं हो रहा, कटान होता है, जल स्तर घटा है, पानी घटा है बढ़ा है, पानी घटा है, अभी कोई बाढ़ जैसे हालात तो नहीं है, तो आप लोग ऊंचे स्थान पे क्यों नहीं जा रहे। जैसा कि बताया कि मात्र जो नाम सुने उन लोगों के घरों से 10-20 मीटर की दूरी पर नदी बह रही है और उनके ऊपर तलवार लटक रही है और ये राह देख रहे हैं कि कहीं प्रशासन से सरकार से कोई मदद के लिए जगह मिल जाए तो हम यहाँ से अपने आसानी को छोड़ें खाली करें। लेकिन फिर भी रातें कैसे कटती हैं, इस नदी की डर नहीं लगता है, तो फिर कैसे काटते हैं, नहीं तो काफ़ी दिनों से पूरा कितने दिनों से बसा है यहाँ पे एक जिंदवा का कभी स्थान हुआ करता था, वो कट गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जिंदवा का स्थान कभी हुआ करता था और उसको भी अपनी आगोश में ले लिया। और आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से छोटी बड़ी जानकारी के लिए और अपना यहाँ पे कोई लेखपाल वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं, लेखपाल नहीं आते हैं, जबकि प्रशासन से अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है वो अपने अपने करीबी जो कटान के दायरे में है गाँव वहाँ पर नज़र गड़ाए रखें, लेखपाल वगैरह कोई नहीं आता, नहीं कोई नहीं आता है, कितने दिनों से नहीं आया। जैसा कि इस महिला के द्वारा बताया, क्या नाम है आपका, दुलारी, दर्जी रहती की हैं और इन्होंने बताया कि जैसे जहाँ पर प्रशासन के अधिकारी वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में लगभग नजर रखें, लेकिन यहाँ दर्जिन पुरवा की बात मैं करूँ तो लोगों के इनके मुताबिक यहाँ पर कोई भी स्थानीय लेखपाल यहाँ पे उपस्थित अभी तक दर्ज नहीं कराई है अपनी, साल भर हो गया बताया जा रहा है, जबकि तहसील प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश हैं सरकार के द्वारा कि करीबी नदी के किनारे वाले तटीय गांवों पर बराबर अनवरत नज़र रखी जाए, लेकिन जो यहाँ पे महिला दुलारी के द्वारा बताया जा रहा है, जो दर्जी रहती के गांव के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक उन्होंने लेखपाल को नहीं देखा, कोई नहीं आया। जैसा कि आपने देखा और सुना, आपका अपना चैनल पूरी तरीके से लहरें हाहाकारी घाघरा और शारदा की लोगों को डरा रही हैं, जल स्तर में घटा काफ़ी घटा हुआ है और कटान में तेजी आई है और हवा के साथ ये लहरें लोगों को काफ़ी डरा रही हैं।